पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव के चलते राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया, लेकिन ऐसा कोई अलर्ट नागपुर के लिए नहीं दिया गया है। बहरहाल नागपुर के मौसम में ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए शनिवार को महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्र के बाकी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत गंभीर मौसम से उत्पन्न स्थितियों को संभालने के लिए अधिकारियों को तैयार रहने के आदेश भी दिए गए हैं। जब मौसम विभाग से नागपुर शहर की जायज स्थिति के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि शहर में ऐसी कोई भी गंभीर स्थिति नहीं होगी और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होता है तो मौसम विभाग द्वारा सूचित किया जाएगा। हमारे यहाँ नहीं होगी उतनी बारिश, भारी वर्षा की चेतावनी नहीं है। अपने यहाँ सिस्टम जो है लो प्रेशर एरिया, जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, वो अभी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना से होते हुए विदर्भ के नीचे से जाएगा और वो मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा उधर से गुजरेगा, तो इसलिए उन लोगों ने अलर्ट दिया है। हमारे इधर उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होने वाला है, नहीं अभी कुछ नहीं है। ओके, इस सिस्टम से नहीं है, उसके बाद दूसरा सिस्टम और बनेगा या फिर बाद में बताएंगे। अभी तो ये जो सिस्टम है ये विदर्भ को ज्यादा पानी नहीं देगा, थोड़ा बहुत कोई लाइट रेन होगा तो उतना ही है, इसलिए हम लोगों ने कोई चेतावनी नहीं दी है। ठीक है। हैवी रेन जो है वो मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा बॉम्बे उस एरिया में होगा।